हाय फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे आज की वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, फिर मैं आपसे आपको दोबारा बता देता हूँ कि एनसीईआरटी क्लास 12th का जो चैप्टर 1 है, जीवों में जनन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, उसमें का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, उसका पूरा आंसर जानने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको लाइन बाय लाइन पूरा आपका जो डाउट है वो क्लियर होने वाला है इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू, आपको बेहद ही कम समय लेते हुए। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमेशा की तरह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और कमेंट जरूर कर दीजिए कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन है कि जनन की अच्छी विधि कौन सी है और क्यों। इसके पहले वाला क्वेश्चन मैंने बना दिया है और उसके बाद वाला क्वेश्चन भी मैं इस चैनल पर बना दूंगा। तो क्वेश्चन 1 बना दिया है मैंने, क्वेश्चन 3, 4 और भी जितने क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जनन की अच्छी विधि कौन सी है और क्यों, तो इसका उत्तर हम जानेंगे। इसका उत्तर है कि जनन की सबसे अच्छी विधि लैंगिक जनन है। अब लैंगिक जनन क्यों है, तो क्योंकि लैंगिक जनन में विभिन्नता का गुण पाया जाता है। लैंगिक जनन में विभिन्नता का गुण पाया जाता है, इसका मतलब यह हुआ कि जो लैंगिक जनन से उत्पन्न संतति होंगे उनमें नर के लक्षण होंगे, मादा के लक्षण होंगे और कुछ नए भी लक्षण उत्पन्न होंगे, जबकि अलैंगिक जनन में विभिन्नता का गुण नहीं पाया जाता है। जो अलैंगिक जनन से उत्पन्न जीव होते हैं उनमें जो उनके जो नर में जो लक्षण होते हैं ना, वही लक्षण संततियाँ भी आते हैं, कुछ नया लक्षण नहीं आता है पाया जाता है। अर्थात अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति बिल्कुल अपने जनक के समान होते हैं, जैसे अलैंगिक जनन में के जनक होंगे वैसे ही अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतति होंगे बिल्कुल अपने जनक के समान, जबकि लैंगिक जनन से उत्पन्न संतति अपने जनक यानी कि नर और मादा से मिलते जुलते होते हैं, जबकि लैंगिक जनन से जो उत्पन्न संतति होंगे वो अपने नर से मिलते जुलते होंगे, मादा से मिलते जुलते होंगे और कुछ नए लक्षण यानी नए अनुवांशिक गुण भी उनमें आए होंगे। तो यही कारण है जिसकी वजह से जनन की सबसे अच्छी विधि लैंगिक जनन को माना जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही अनेक वीडियो पाने के लिए कमेंट कीजिए।